इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको बीजेटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। और जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो बाइपोलर है, बाइपोलर का मतलब है इसमें जो करंट फ्लो होगा उसमें दो चार्ज कैरियर रेस्पॉन्सिबल होंगे। एक होगा आपका होल और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन। वो डिपेंड करता है मेजोरिटी कैरियर में कौन है। तो ट्रांजिस्टर की क्लासिफिकेशन में आते हैं, दो तरह के ट्रांजिस्टर बनते हैं बीजेटी, एनपीएन बीजेटी या पीएनपी। ठीक है, दो तरह के हैं। तो एनपीएन में जो मेजोरिटी कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और जो होल हैं वो माइनॉरिटी कैरियर में है। ठीक है, तब ये बाइपोलर है कि जो करंट जो है हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें दोनों चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो एनपीएन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और पीएनपी में होल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो होल्स जो है मेजोरिटी कैरियर में होते हैं। ठीक, अब आते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के सिंबल को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्शन डिटेल समझ लेते हैं। तो तीन लेयर में है, दो जंक्शन बनते हैं। तो तीन लेयर में, तीन लेयर के नाम है एमिटर, बेस, कलेक्टर। और जो बेस है ये सैंडविच है एमिटर और कलेक्टर के बीच में। ठीक, अब जो हमारा एमिटर है उसका जो साइज, अब इनके साइज की बात करते हैं और साइज के बाद फिर डोपिंग लेवल। तो दो चीज़ों पे इसके कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो एक हमारा जो साइज है एमिटर लेयर का, कितना साइज है, कितना एरिया है। ठीक, तो ये मॉडरेट एरिया है। मॉडरेट एरिया का मतलब है बेस से इसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है और कलेक्टर से कम होता है। बेस का जो एरिया है वो सबसे कम है और जो कलेक्टर का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये तो हो गया एरिया वाइज। तो कलेक्टर का एरिया ज़्यादा क्यों रखा हुआ है, बेस का एरिया कम क्यों रखा हुआ है और एमिटर का एरिया मॉडरेट क्यों है, ये सब हम धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा इसलिए रखा गया है बेसिकली कि जो टेम्परेचर है, जो जो टेम्परेचर रेज होता है तो उसको कूल डाउन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये जो एक तरह से जो हीट है वो सिंक होगी। ठीक है, तो इस वजह से कलेक्टर को सबसे बड़ा रखा जाता है। ठीक है, तो इधर ही क्यों होता है इसको भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर ये कलेक्टर का ही रेज क्यों हो रहा है, मीटर को क्यों नहीं बढ़ा रखा। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे। अब आते हैं डोपिंग लेवल पे। जो डोपिंग लेवल है यानी एमिटर जो अब हमारा ये एनपीएन का है ना, ये मैंने एनपीएन का एग्जांपल लिया है। ये एन, ये जो लेयर है जो बेस लेयर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की है। जो कलेक्टर लेयर है ये एन टाइप की है। तो जो एमिटर जो है, जो इसका डोपिंग लेवल है वो हैवली डोप्ड होता है। सही, सबसे ज़्यादा जो इन दो जो दो रीजन है ना, जो ये हमारी दो लेयर हैं बेस और कलेक्टर, इन सबसे जो डोपिंग लेवल है एमिटर का है ना हैवी होता है। तो इसलिए इसको इंडिकेट करता हूँ मैं एन प्लस पे। तो हैवली डोप्ड एमिटर हमेशा हैवली डोप्ड होगा। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है एन प्लस का मतलब है हैवली डोप्ड, एन का मतलब है नॉर्मल डोप्ड और एन माइनस का मतलब है लाइटली डोप्ड। तो ऐसे ही सेम है पी प्लस के लिए। पी प्लस का मतलब है हैवली डोप्ड, पी का मतलब है नॉर्मल डोप्ड। सही है, और पी माइनस का मतलब है लाइटली डोप्ड। जो बेस है वो लाइटली डोप्ड होता है, तो इसको लिए इसको इंडिकेट कर देता हूँ पी माइनस से। और जो कलेक्टर है वो नॉर्मल डोप्ड होता है, तो उसको एन। तो एन प्लस पी माइनस एन। ठीक है, तो एन प्लस इंडिकेट करता है हैवली डोप्ड, एन नॉर्मल डोप्ड, और जो माइनस है लगा देते हैं एन या पी के पीछे तो उसका मतलब है लाइटली डोप्ड। तो बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एमिटर जो है वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, और कलेक्टर दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं। बस एमिटर जो है सबसे हैवली डोप्ड होता है, कलेक्टर मॉडरेट डोप्ड होता है, और बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है पी टाइप का। तो जो बेस है वो एमिटर और कलेक्टर के बीच में सैंडविच की तरह है। ठीक, इन दोनों के बीच में है, तो यानी दोनों एमिटर और कलेक्टर को जो एक तरह से सेपरेट करता है ये बेस रीजन है। ठीक है, तो बेस रीजन से यहाँ पर दो जंक्शन बनेंगे। एक जंक्शन का नाम है एमिटर बेस जंक्शन। तो एमिटर और बेस रीजन के बीच में जो जंक्शन बनेगा, तो ये आपका पी है, ये आपका एन है ना, एन प्लस है, ये पी माइनस है, तो एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है पीएन जंक्शन। ऐसे ही एक कलेक्टर और बेस के बीच में एक जंक्शन बनेगा, कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं सिंपली, इसको बोलते हैं सी बी जे, कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो एक जंक्शन यहाँ पर फॉर्म होता है। तो अभी मैंने कुछ कनेक्शन इस पे दिया नहीं है, है ना, तो सिंपली जब भी आपका पीएन जंक्शन फॉर्म होगा तो एक डिप्लेशन लेयर ऑटोमेटिकली वो है ना वो आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर है, तो दोनों तरफ मैंने जो जैसे डायोड में हमने दिखाया था, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं कि नो बायस में एक तरह से डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, ये दो डिप्लेशन लेयर दोनों जंक्शन पे बन गए।
अब आते हैं इसके सिंबल पे। तो सिंबल जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें जो एरो है वो ये ना ये आउटवार्ड है, और जो पीएनपी में है ये जंक्शन है ये इनवार्ड है। तो ये शो करता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो एनपीएन में जो करंट जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, ठीक। तो कहने का मतलब है जो बेस है वो इस तरह मूव करेगा और कलेक्टर की जो करंट है वो इस तरह आएगी। तो ई जो है जो एमिटर से जो करंट फ्लो हो रही है आई ई, वो हमेशा इक्वल्स टू होती है आई बी प्लस आई सी के, ठीक है। तो आई की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगी वो आपकी जो बेस करंट है और कलेक्टर करंट है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अब इसमें इधर है तो ऑब्वियसली बी भी इधर जाएगा और सी भी इधर जाएगा, ये आउटवार्ड होगा। तो अगर अमीटर की डायरेक्शन, अमीटर करंट की डायरेक्शन इनवार्ड है तो बी और सी दोनों आउटवार्ड होंगी। अगर ये हमारा आउटवार्ड है तो बी और सी जो है करंट जो है बी और सी टर्मिनल पे है ना ये इनवार्ड होंगे। तो बी का मतलब है जो बेस, बेस टर्मिनल। तो यहाँ पर बेस का टर्मिनल है इसको नाम दे दिया है हमने बी का, और जो कलेक्टर टर्मिनल है इसको नाम दिया है हमने सी का, और जो एमिटर टर्मिनल है उसको नाम दिया है हमने ई, ठीक। इस तरह के नाम हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह शो किया हुआ है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पीएन जंक्शन में उसमें जो डोपिंग लेवल था और उसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर कौन से थे, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से थे, वो सब डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर। तो जो ओरेंज में है, ये ओरेंज में ये शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, है ना। जो इमोबाइल चार्ज कैरियर हैं वो नहीं मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, वो सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिटर में मेजोरिटी में है क्योंकि हैवली डोप्ड है ना, एन प्लस हैवली डोप्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी जो एक तरह से डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वही शो कर रहे हैं यहाँ पर। जो बेस है हमारा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और लाइटली डोप्ड है। तो नंबर ऑफ जो होल्स हैं है ना सबसे कम यहाँ पर दिखाई देंगे। कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डोप्ड है। तो जो एमिटर का जो यहाँ पर जो कंसनट्रेशन है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर उससे कम रहेगी, ठीक है। और जो बेस की जो कंसनट्रेशन है यहाँ पर होल्स की उससे ज़्यादा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर शो कर दी है पिक्चर से, ठीक है। तो जो सर्कल के अंदर हैं ये सब इमोबाइल चार्ज कैरियर हैं, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक। और जो बाकी यहाँ पर जैसे होल है तो ये सब है ना ये सब माइनॉरिटी कैरियर हैं, ठीक। और यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर में हैं ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो डिप्लीशन रीजन से जब भी कुछ ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें ये इस तरह के माइनॉरिटी कैरियर इंडिकेट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं इनको लेना है, ठीक है। तो पर ये फिर भी बस मैंने इसको एक रूम टेम्परेचर पे इसको शो किया है, ठीक। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल को एक तरह से टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पर एरिया और डोपिंग लेवल जो कंस्ट्रक्शन है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो जो एरिया है एमिटर का मॉडरेट है, बेस का एरिया स्मॉलर है, और जो कलेक्टर है उसका एरिया सबसे लार्जर है, ठीक। डोपिंग लेवल में जो एमिटर का जो एरिया है ना वो हैवली डोप्ड है, बेस लाइटली डोप्ड, और जो कलेक्टर है वो मॉडरेटली डोप्ड है, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये जो कलर हैं दोनों के चेंज हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा ये ऑरेंज है, ऑरेंज से ये वाइट में कन्वर्ट कर दोगे, और जो प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा पी टाइप, ठीक। तो ये पी और पी प्लस हैवली डोप्ड रहेगा हमेशा। और अगर ये है एन, ठीक है, एन माइनस, और ये हो जाएगा पी, तो पी एन पी। तो शोज नॉर्मली पी एन पी एन पी एन इस तरह करते हैं। तो यहाँ पर पी एन पी है, ये एन पी एन है, ठीक है। तो एन पी एन या पी एन पी, तो पी प्लस बस ये एक तरह से आपको याद कराने के लिए है कि हैवली डोप्ड है तो इसका मतलब है प्लस, लाइटली डोप्ड है तो मतलब माइनस, नॉर्मल डोप्ड है तो ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पी टाइप है एन टाइप है बस वो दिखाना है, ठीक। तो ये है कंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर की। और जो बेस है, जो बेस रीजन जो होती है या बेस जो लेयर है वो सैंडविच होती है एमिटर और कलेक्टर के बीच में, ठीक। तो अभी सिर्फ इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एनपीएन और पीएनपी की जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। बाकी ये सब ये रहेगा, एरिया और जो डोपिंग लेवल है वही रहेगा, बस वो पीएनपी या एनपीएन है वो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो जो ये टेबल है ये दोनों के लिए है ना, एनपी एनपीएन और पीएनपी के लिए, दोनों के लिए। तो अगर पीएनपी है तो ये पी है ना,
है ना, एन पी एन के लिए है, तो ये हो जाएगा हमारा एन प्लस, सॉरी यहाँ पर है एरिया तो मॉडरेट है ही, एरिया तो रहेगा ही, बस डोपिंग का है, ये एन प्लस हो जाएगा। अगर ये पी एन पी है तो ये पी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पी माइनस, ये आपका एन माइनस, ये आपका एन और ये आपका पी, तो ऊपर वाला शो कर रहा है एन पी एन, नीचे वाला शो कर रहा है पी एन पी, ठीक है। तो इसको यहीं रहने देते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर किस तरह भी वो बिहेव करता है, किस तरह वर्क करता है, ठीक, और कुछ उसमें एक्सप्रेशन उसके ड्राइव करेंगे। चलिए यहीं रहते हैं।